वेलकम टू मैथ ट्यूटोरियल। आज के क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम 2019 के 9 मार्च 2020 के शिफ्ट वन का रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कंपिटिटिव मैथ से जुड़े सवालों को आसानी से सॉल्व करने के लिए और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। लास्ट दो वीडियोज़ में हम लोग 9 मार्च 2020 के शिफ्ट वन के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 64 तक कर चुके हैं, तो इस वीडियो में 65 से देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। इन द फिगर पी ए इज़ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ इफ़ एंगल पी ओ बी इक्वल टू 110 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ। देखो एंगल पी ओ बी लिख रहा है 110 डिग्री, लेकिन बी कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में फिगर भी देना चाहिए था जो फिगर नहीं दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज़ मिसिंग क्या है कि ए बी जो है वो डायमीटर है, ये इसको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख लें, क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से पी ए एक स्पर्श रेखा है तथा पी बी व्यास है। यदि एंगल पी ओ बी 110 डिग्री हो तो एंगल ए पी ओ का माप क्या है। ठीक है, तो देखिए ये वृत्त है, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी से एक पी ए टेंजेंट ले लीजिए। ठीक है, ये पी ए टेंजेंट है, ओ इसका सेंटर है वृत्त का, और इससे एक डायमीटर खींच लिया जाए पी बी। ठीक है, और यहाँ पे ओ सेंटर है, ओ सेंटर, ओ से पी को मिलाया जाए। ठीक है, अब ये ओ सेंटर है, एंगल पी ओ बी, पी ओ बी मतलब ये एंगल दे दिया है 110 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ, ए पी ओ पूछ रहा है। तो भाई अगर ये 110 डिग्री है तो ये एंगल 70 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेखीय युग्म बन रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है 110 और 70 डिग्री का, यहाँ पे 70 डिग्री हो गया। एंगल पी ओ ए बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये ओ ए जो है वो रेडियस है और पी ए टेंजेंट है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई ये एंगल 90, ये एंगल 70, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। नहीं, ये 20 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। पी ओ ए ये 70 डिग्री है, एंगल पी ए ओ ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस हर हालत में टेंजेंट से 90 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल 20 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। इन द राइट ट्रायंगल सोन इन द फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। यहाँ कोसेक थीटा का वैल्यू चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस दिए गए समकोण त्रिभुज में कोसेक थीटा का मान निकालें, जिसमें एक 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर यहाँ थीटा दिया हुआ है, और चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो पी पे 90 डिग्री है। तो भाई ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लोग को याद होना चाहिए कि 5, 12 और 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है, 5, 12, 13। ठीक है, जिसमें कि 5 और 12 अगर दो साइड है तो 13 जो है वो कर्ण होता है। ठीक है, हाइपोटेनस, और ये लंब और आधार दोनों में से कोई भी होगा। तो ये तीसरा साइड जो मिसिंग है ये 12 होना चाहिए। अच्छा, कोसेक थीटा क्या होता है?
कोसेक थीटा अगर निकालना हो, ठीक है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन क्या होता है पी बाई एच, तो कोसेक क्या होता है एच बाई पी, मतलब कर्ण बटा लंब। इस थीटा के लिए लंब हमेशा सामने वाला साइड होता है और कर्ण कौन सा होता है, सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है, तो लंब हमेशा क्या होता है सामने वाला साइड होता है, तो नीचे आएगा 5 और कर्ण क्या होता है सबसे लंबी भुजा, मतलब 13, मतलब 13/5 इसका आंसर हुआ। इसमें ये तीसरा साइड निकालने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि कोसेक थीटा पूछ रहा है, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ थीटा है तो उसके सामने वाला साइड हर हालत में परपेंडिकुलर कहा जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है। दूसरा साइड जो है वो बेस होगा और जो सबसे लंबी भुजा होगी वो हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पाइथागोरस ट्रिपलेट का चूंकि यहाँ पे बात आया है, मान लो कि यहाँ कोसेक थीटा के बदले अगर सेक थीटा निकालना पड़ता, एच बाई बी करना होता, तो 13/12 आंसर होता, ठीक है। मतलब कि अगर ये साइड निकालना है तो जनरली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर करके निकालते हैं और उस कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो इससे अच्छा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कुछ याद रखे जाए, जैसे 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 होता है, 8, 15, 17 होता है, ठीक है, 20, 21, 29 होता है, ठीक है, 9, 40, 41 होता है, कई सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है एग्ज़ाम में और एग्जैक्ट सेम डाटा उठा के चूँकि क्वेश्चन पूछता है तो ये काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल पीडीसी इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर वेयर पी लाइज ऑन ए बी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि ये कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में, एबीसीडी एक वर्ग है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में पीडीसी एक त्रिभुज खींचा गया है, ठीक है, तो इस त्रिभुज का एरिया निकालना है जहाँ की इस पॉइंट पी लाइन ए बी पर है, ठीक है, तो एक वर्ग आप देखो बना के, ठीक है। वैसे इसमें भी कुछ करने का नहीं है क्वेश्चन, लेकिन समझने के लिए पिक्चर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। हमेशा हम लोग जो नेमिंग करते हैं किसी भी फिगर में वो एक सर्कुलर डायरेक्शन में करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए ए बी और फिर सी डी उल्टा लिख दे, ए के बाद बी फिर सी फिर डी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें पी डी सी ट्रायंगल है तो डी सी तो बेस होगा और पॉइंट पी जो है वो ए बी पर है, तो यहाँ कहीं पॉइंट पी होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल पी डी सी है, इसका बोलता है एरिया निकालिए और इस वर्ग का, इस वर्ग का, इस वर्ग का साइड हम लोग को 24 सेंटीमीटर पता है, तो वर्ग की एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हर हालत में इसका आधा होगा, ठीक है, ये क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर बटा 2, ठीक है, मतलब कि 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर 24 का पता होना चाहिए सभी को, कम से कम 40 तक 30 तक स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि समय बचे एग्ज़ाम में। 2 से 576 में डिवाइड करोगे तो 2 × 4 2 × 8 = 16, 288 इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज का एरिया ए स्क्वायर बाई 2 क्यों होगा, इसको समझना चाहिए। देखिए, एक थ्योरम है कि किसी दो पैरेलल लाइंस ए बी और डी सी, मान लो दो पैरेलल लाइंस है ए बी और डी सी, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे,
किसी एक पैरेलल लाइन को अगर बेस माने, जैसे ये डीसी को बेस मान लिया, तो एबी पर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे सबका एरिया सेम होगा, ठीक है। एबी पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका एरिया सेम होगा। देखो जैसे, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसमें एक पे बेस ये बनाया हुआ है मान लो डीसी, ठीक है। तो पॉइंट ए यहां पे रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी रहे, तो उसका एरिया आपस में बराबर होता है। इसलिए होता है क्योंकि बेस, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो डीसी सबका फिक्स है, और हाइट चूंकि लाइंस पैरेलल है तो हाइट यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, या यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, हाइट हर हालत में वही आने वाला है। तो भाई ट्रायंगल का शेप चाहे जैसा भी हो, ट्रायंगल का शेप चाहे जैसा भी हो, उसका एरिया बराबर होता है। तो इसीलिए इस स्क्वायर में देखिए, ये पॉइंट पी यहाँ बीच में कहीं हो, या इस पॉइंट ए पर ही हो, या इस पॉइंट बी पर ही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो स्क्वायर का जो भी एरिया होगा डी सी और पॉइंट पी का एरिया उसका आधा होगा हर हालत में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जिससे कि आसानी से बन जाए, नहीं तो फिर यहाँ से 24 लो, फिर ये हाइट भी 24 मानो, और हाफ इंटू 24 इंटू 24 करो, जैसे सुविधा हो समझने में वैसा किया जा सकता है। फिर काट भी सकते हैं, या 24 का स्क्वायर बाई 2 करके 288 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसमें सिंपल वैल्यू निकालना है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका मान निकालना है। तो मान निकालना है बहुत आसान, बॉड मास फॉर्मूला पता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद डिवाइड। तो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट तो ये 12-6 है जो 6 होगा, और 24-12 है जो कि 12 होगा। तो इस लार्ज माने बड़े ब्रैकेट के अंदर में 6-12 आ रहा है, सिंपल सा बात है। इसके आगे मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट का काम चूँकि हो चुका है, 1800 डिवाइड 20, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 180 काटोगे तो 90 आने वाला है। अब 12 छो कितना 18, तो 90 गुना 18, 18 × 9 172 होता है, तो 1720 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। ये क्वेश्चन क्या है, अब देखो 3a-4b का होल क्यूब का ये चार एक्सप्रेशन दिया है। कोई भी देख के कहेगा कि भाई इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में समय लगेगा, लेकिन क्यों सॉल्व करना है। सिंपल सा बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि a-b का होल क्यूब हो, या a+b का होल क्यूब हो, कुछ भी हो, तो इसमें इसके एक्सपेंशन में चार टर्म आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो a+b का होल क्यूब ही है, तो क्या आता है, a³ + 3a²b + 3ab², चार टर्म आते हैं। तो भाई चार टर्म तो कम से कम होना ही चाहिए, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, चार टर्म केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर चार टर्म वाले और भी ऑप्शन देते तो हम लोग और डिटेल में इसको सॉल्व करते, लेकिन अगर चूंकि एग्ज़ाम में आंसर आपको लगाना है, प्रोसेस दिखाना नहीं है कि हाँ मुझे आता है तो बनाना ही है, इसलिए आंसर निकालने से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो अगर इसमें दो दो ऑप्शन जो है एक जैसा दे देता, यहाँ माइनस के बदले प्लस कर देता, तो फिर आप क्या करते। तो देखो 3a का होल क्यूब और 4b का होल क्यूब, 1³ अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, ठीक है, मान लो a-b का होल क्यूब हो जाए, तो किस किस टर्म पे फ़र्क पड़ेगा ये चीज़ ऑब्जर्व करो। b हो गया नेगेटिव, तो यहाँ b वाला जो b³ वाला टर्म है ये नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, तो a³ - b³, फिर
प्लस, अच्छा यहाँ पे b सिंगल है, इस टर्म में एक ही b है तो ये भी टर्म निगेटिव होगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, क्योंकि a तो पॉजिटिव है और b का स्क्वायर हो गया तो वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब b क्यूब का टर्म और सिंगल b वाला टर्म निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप साइन को पकड़ सकते हैं कि भाई b क्यूब वाला टर्म निगेटिव होना चाहिए और सिंगल b वाला टर्म निगेटिव होना चाहिए, ये है, और बाकी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू का जब बात आएगा, मान लो ये साइन भी एक दे दिया दोनों, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में फ़र्क है तो क्यूब देख लो, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64 यहाँ नज़र आना चाहिए, फिर इसमें 3a स्क्वायर b है तो 3 इंटू a का कोफिशियंट क्या है 3 का स्क्वायर इंटू b का कोफिशियंट क्या है 4, मतलब माइनस 4, तो माइनस का साइन तो आगे आ ही जाएगा, तो 9 या 27, 27 गुना 4 108 नज़र आना चाहिए, इसी तरीके से 3ab स्क्वायर का भी, तो ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक एक्सपेंशन का सवाल है कि 4a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। इसमें चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी में नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हैं, तीन और तीन 6 टर्म दिया है, इसमें आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तब फिर इसमें क्या करना है, क्या इसको भी पूरा खोलना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 4a प्लस 3b प्लस 2c है तो सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो जो एक्सपेंशन होगा उसमें भी सारा टर्म पॉजिटिव आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में निगेटिव टर्म दिख रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में भी निगेटिव टर्म दिख रहा है, तो ए और डी तो होगा ही नहीं, बचता है क्या, बी और सी। अब स्क्वायर करना है भाई, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ दिख रहा है, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ये चीज़ इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बात समझ में आया, बिना बनाए हुए क्वेश्चन को कैसे हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं कम समय में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि कोई बनाना चाहता हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, प्रोसेस जानने के लिए, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें abc के जगह, a के जगह 4a, b के जगह 3b और c के जगह 2c है, तो उसको रखते हुए आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइडल बॉक्स आर इन द रेशियो 7:5:3 एंड इट्स होल सरफेस एरिया इज इतना। ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि किसी घनाभाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, का अनुपात 7:5:3 है एंड इट्स होल सरफेस एरिया, इसके संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम निकालिए। इस पूरे सेट में यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, इस 9 मार्च 2020 के शिफ्ट 1 में केवल यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी सारे क्वेश्चन देख के आंसर लगाए जाने वाले हैं। ठीक है, देखो, अब क्यूबाइडल बॉक्स है, इसका रेशियो दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ हाइट का, तो हम लोग कह सकते हैं L कितना, मान लो 7x, ब्रेथ कितना 5x, हाइट कितना 3x, सिंपल। ठीक है, इसका क्या निकालना है भाई, होल सरफेस एरिया दिया हुआ है, होल सरफेस एरिया आप लोग को पता होगा 2 into LB प्लस BH प्लस
LH होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 LB करो, 7 × 5 35x², ठीक है। BH 5 × 3 = 15 15x², LH 7 × 3 21x², ठीक है। मतलब ये जोड़ के आपका आ रहा है कितना, 2 और 35 × 15 50 और 21 71x², ये संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल है और इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 27832। तो अगर 2 से इसको काट लिया जाए तो 1 2 3 6 2 9 18 2 1 2 और 2 6 12। ये 71 देख के लग रहा है कि 71 से इसमें ज़रूर भाग लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर भी बहुत सही है, कोई डेसिमल वगैरह का चक्कर नहीं है, क्वेश्चन में डाटा भी अच्छा है, तो ये 71 से इसमें ज़रूर भाग लगना चाहिए, ठीक है, कट जाना चाहिए और x का वैल्यू कुछ सही सलामत निकल के आएगा, ठीक है। तो 71 से डिवाइड करके देख लो, इसमें 71 से डिवाइड कर लो 13916 में, ठीक है। 71 से 1 बार में 71 कितना आया, 8 और 7 × 6 = 13 फिर 1 निकालो, 7 × 9 पढ़ो तो 649, ठीक है। देखो 19 के बाद एक ही वैल्यू है 196 जो कि कंप्लीट स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जो है 196 ज़रूर आना चाहिए, इतना से समझ में आ रहा है, तो x का वैल्यू ज़रूर 14 रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 11 में से 9 गया 3, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, 11 में से 9 गया 3 और 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे ये 6 बचा हुआ था, इस 6 को उतारिए, ठीक है, और कितना हो गया भाई, 8 और 6 9 × 9 = 63 यहाँ 63 होगा, सॉरी, यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 और 7 में से 3 गया 4 और ये 6 जो है ये उतर के यहाँ पे आया, तो देखो ये 6 बार में लग गया 196, ठीक है, 426, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कितना है 196, तो एक्स कितना होगा भाई 14। अब एक्स 14 मिल गया तो बोलता है वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम एल बी एच का प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम क्यूबाइड का, एल बी एच, तो 7 × 5 = 35 35 × 105 105 × x³, ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम अगर निकालना है तो 105 × x³ मतलब 105 × x³, 14³ होता है 27 × 44, ठीक है, तो 27 × 44 14³ होता है, 27 × 44 को 105 से गुना कीजिएगा, तो गुना भी पूरा एक एक डिजिट करके ज़रूरत नहीं है, 27 × 44 पे 00 लगाइए 100 से गुना करके और इसका 5 times जो है वो इसमें जोड़ देना है, तो 27 × 44 का 5 times 5 × 20 2 × 22 5 × 20 2 × 22 2 और 7 × 5 = 35 36 37 बाकी 3 और 5 × 10 11 12 13, ठीक है, इसको जोड़ के देख सकते हैं 02 पीछे में आएगा, उसके बाद 7 × 4 = 11 का 1, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन अभी तक मिला है, उसके बाद 27 + 28, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो गया। यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके छोड़ देना चाहिए एग्ज़ाम के लास्ट के लिए, कि जब समय अगर बचेगा सफिशियंट तो इसको लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये बाकी क्वेश्चन का भी समय खा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 6 tan θ −5√3 sec θ + 12 cot θ = 0, यदि ऐसा हो, ठीक है,
और थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 90, तो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, देखो वैल्यू जो है वैल्यू भी बहुत अच्छा है। कॉसेक और सेक जनरली आप लोग जानते होंगे कि √3 वाला वैल्यू आता रहता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कभी किसी के 30 डिग्री पे, किसी के 60 डिग्री पे √3 वाला वैल्यू आता रहता है। तो इसका मतलब थीटा कोई अच्छा सा वैल्यू होगा, मतलब 40-50 डिग्री टाइप का नहीं होगा, वही होगा जिसका वैल्यू हम लोगों को पता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू पता होता है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसी में से किसी को चेक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने का, इसको भी सॉल्व करना बहुत लंबा है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदल के और थीटा का वैल्यू निकालना बहुत टफ है, क्योंकि सबको साइन में चेंज करो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। देखो 0 और 90 इसलिए नहीं रखना है क्योंकि टैन थीटा और कॉट थीटा में से किसी एक में 0, अगर टैन 90 रख दोगे तो ये इन्फिनिटी कर देगा पूरे एक्सप्रेशन को, कॉट 0 करोगे तो ये इन्फिनिटी कर देगा, तो ये दोनों वैल्यू तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, 90 और 0 खत्म हो गया। अच्छा, ऑप्शन में √2 टाइप का चीज नहीं है, ठीक है, तो 45 के भी होने का चांस कम है। ठीक है, हम लोग 60 पे चेक करते हैं। 6 tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। ठीक है, -5 √3। सेक थीटा, सेक 60 कितना होता है भाई, कॉस 60 का उल्टा होगा सेक 60। कॉस 60 क्या होता है, 1/√2, 1/2, सॉरी 1/2। तो सेक 60 क्या होगा, 2 + 12 इंटू कॉट 60, तो 1/√3 होना चाहिए। ठीक है, कॉट 60 1/√3 होना चाहिए। अब ये क्या है, 6√3 -10√3, और 12 को अगर √3 से काटोगे तो 12 को कोई भी लिख सकता है 4 × 3, और 3 का मतलब होता है √3 × √3, ये पूरा चीज़ जो है ये 12 है। अब कोई इसको √3 से डिवाइड करता है तो 1√3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4√3। तो 4√3 और 6√3 कितना हो गया, 10√3 -10√3, तो यहाँ तो काम बन गया। अगर 60 पे भी नहीं बनता लेने पे तो हम लोग 30 को भी चेक करते, लास्ट पे 45 चेक करते। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 आप लोग को पता है। अब कॉसेक 60 और सेक 60 निकाल लो। कॉसेक 60 क्या होगा, साइन 60 का उल्टा। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो कॉसेक 60 क्या होगा, 2/√3 प्लस सेक 60 क्या होगा, तो 2, जोड़ लिया जाए इसको, डिनोमिनेटर √3, ऊपर हो गया 2 + 2√3। अब √3 से ऊपर नीचे अगर गुना कर दें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 1√3 यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1√3 यहाँ गुना होगा तो ये हो गया 3, नीचे में क्या √3, ये हो गया ऑप्शन आपका, सॉरी नीचे होगा 3, नीचे होगा 3, क्योंकि √3 √3 गुना होके 3 हो गया। ठीक है, तो 2/3 और 3 + √3 ये ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, नहीं तो फिर ये जो ये एक्सप्रेशन है हम लोग का, ये भी ऑप्शन में आपको दे सकता है डिनोमिनेटर में √3 करके, लेकिन जनरली जो डिनोमिनेटर होता है उसको रेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके रूट को ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद 72 का 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वही टेबल है, टेबल का ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। ठीक है, इसमें पूछता है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग फ्रॉम द स्टेट इन द ईयर 1997, वर्ष 1997 में सभी राज्यों से कुल कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, कुल कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया। अब
1997 साल देखो, ये पहला वाला है, इसमें भाग लेने की बात है तो मतलब अपीयर्ड देखना है, ठीक है, अपीयर्ड देखना है। तो भाई अपीयर्ड अगर देखना है तो ठीक है, ये 1997 का अपीयर्ड देखना है, तो बस इसको जोड़ दिया जाए। देखो पीछे तो 00 ही आएगा, पीछे क्या आएगा 00, पीछे आएगा 00, इसके बाद 5 2 7 7 4 11 11 1 12, बाकी एक, ठीक है, 8 6 14 14 7 21 21 5 26 1 27, तो 27,200 इसका आंसर आने वाला है। 27,200 किस में था? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में था 27,200, ओके 27,200 ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है भाई, सीमा फ्लाइज ए काइट ऑन ए 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा 16 मीटर लंबे धागे से 60 डिग्री के झुकाव पर पतंग उड़ाती है, तो पतंग की ऊंचाई क्या है भाई। हाइट एंड डिस्टेंस का एकदम सबसे सिंपल जो क्वेश्चन होता है वह इसमें दिया गया है भाई। मान लो यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है, और इस पतंग को 60 डिग्री की ऊंचाई से ये 60 डिग्री का एंगल से उड़ाया जा रहा है, ठीक है, और स्ट्रिंग की लंबाई कितना है 16। पतंग का जो स्ट्रिंग होता है वो हाइपोटेनस ही तो बनता है, सीधा पतंग तो ऊपर उड़ता नहीं है, ठीक है, तिरछा उड़ता है। ये 16 मीटर का स्ट्रिंग है, बोलता है कि पतंग की ऊंचाई क्या है, मतलब ये जो ऊंचाई है, ये परपेंडिकुलर जो है आपका, ये आपको पता करना है भाई। इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर निकालना है और कर्ण पता है, ठीक है, लंब निकालना है, कर्ण पता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया जाए, साइन थीटा। साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या, पी बाई एच। अब साइन 60 का वैल्यू क्या है, अभी पीछे एक क्वेश्चन में आया था, √3/2। पी का पता करना है, एच है 16, 2 से 16 काट लो 8 बार में, तो पी कितना हो गया 8√3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 8√3 इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, ये स्पीड एंड टाइम का एकमात्र क्वेश्चन है इस सेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन पढ़ने में लंबा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर टू स्टेशन विच आर 280 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन हैं एक्स और वाई, ये 280 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। ए ट्रेन स्टार्ट एट ए सर्टेन टाइम फ्रॉम एक्स एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वाई एट 60 किलोमीटर पर आवर। After 2 hours, another train start from Y and travel towards X at 20 km/h. After how many hours does the train leaving from X meets the train which left from Y? ठीक है, X और Y स्टेशनों के बीच की दूरी तो 280 किलोमीटर है। एक निश्चित समय पर X से कोई ट्रेन Y की ओर, X से कोई ट्रेन Y की ओर, इधर से इधर किस स्पीड से चलती है, 60 की स्पीड से, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और 2 घंटे बाद वाई से कोई ट्रेन इधर, वाई से ट्रेन इधर एक्स की ओर 20 के स्पीड से चलती है, ठीक है। तो भाई ये 20 के स्पीड से जो ट्रेन चली, ये 2 घंटे बाद चली, 2 घंटे तक ये एक्स की तरफ से चलने वाली ट्रेन 2 घंटे चल चुकी थी, मतलब 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर ऑलरेडी तय कर चुकी थी। तो 280 में से 120 किलोमीटर ये चल लिया, ठीक है, 2 घंटे में। इधर बचा कितना, तो 160 किलोमीटर बचा, ठीक है,
160 किलोमीटर इधर बचा, 280 में से 120 किलोमीटर ये 2 घंटे में चल चुका है, तो 160 किलोमीटर और चलना है। अब यहाँ से इधर से एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। इधर वाली ट्रेन जो जा रही है यहाँ से वो 60 की स्पीड से जा रही है, इधर से ट्रेन 20 की स्पीड से आ रही है। जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनका सापेक्षिक चाल जुड़ता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता है, ठीक है। तो इधर से 60 का स्पीड, इधर से 20 का स्पीड, तो दोनों ऐड हो गए, क्या बनेगा 80 का रिलेटिव स्पीड, 60 प्लस 20 80। और दूरी कितना तय करना है, ये कुल 160 किलोमीटर। तो भाई 160 किलोमीटर की दूरी, 80 का रिलेटिव स्पीड, तो टाइम क्या लगेगा, 2। ये हम लोग लगा रहे हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस 160 तय करना था अब, और 80 रिलेटिव स्पीड है दोनों ट्रेनों की, क्योंकि अब दोनों ट्रेनें एक साथ चल रही हैं विपरीत दिशा में, तो 2 घंटे और लगेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने घंटे बाद एक्स से चलने वाली ट्रेन वाई से चलने वाली ट्रेन से मिली, मतलब एक्स से जो ट्रेन चली थी, मतलब इधर से जो एक्स की ओर से जो ट्रेन चली थी, तो भाई ये तो 2 घंटे पहले भी चल चुकी थी, अब 2 घंटे और चलना है मिलने के लिए, तो कुल कितने घंटे चली, 4 घंटे, ठीक है। तो 4 घंटे इसका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में ये 2 आंसर लाके और इधर 2 टिक नहीं कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शिफ्ट 1, 9 मार्च के शिफ्ट 1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर मेथड अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें किसी और शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।